हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो कैसे हो आप लोग? तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त और बढ़िया होंगे। दोस्तों, फिर से हम आ चुके हैं जंगल में। मैं आज होने वाला है पकौड़ा चैलेंज। तो हम देसी पकौड़े के चैलेंज करने वाले हैं दोस्तों, तो हमारे वीडियो में बने रहेगा। आलू पकौड़े, प्याज पकौड़े, सब कुछ यहाँ पर बना। प्याज और आलू का पकौड़ा बनने वाला है। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आटा गूंद रहा है ये। तो हम फिर पकौड़े बना के फिर चैलेंज करेंगे। तो दोस्तों, बने रहेगा हमारे वीडियो में। हाँ, हमारे स्टाइल में पकौड़े बनाएंगे हम। खेतों में, जंगलों में आ चुके हैं दोस्तों, देख सकते हैं फिर से। दोस्तों, हम बेसन के आटे से पकौड़े बना रहे हैं। ये अजमा है और इसको खारा नमक बोलते हैं, अलग से आता है। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये आलू है और इसमें प्याज है, देख सकते हो आप। ये देख सकते आटा तैयार, चटनी लेके आए हैं, देख सकते हैं ये पकौड़े की तैयार चटनी लेकर आए हैं। इसमें गर्म पानी करके डाल देना, बस हो गई मस्त चटनी। लाजवाब। ये देखते बेसन का ये पैकेट है, देख सकते हो आप। ये सब कुछ यहाँ से बनता है, गोटा बनता है ये, मतलब कुछ ये गांठ या ये सब सब कुछ दिखा रहे हम लोग। बस इतना बहुत हो जाएगा। तो मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, बनाएंगे पकौड़े और ये आटा तैयार हो। Rage on that beat, going crazy. दोस्तों, तो तलने वाले हैं आलू, ट्राई करेंगे थोड़ी। ओ, तेल अच्छे से पक चुका है दोस्तों। तो ये आलू जा चुका है इसमें, आप देख सकते हैं। तू सुना है? सकते हैं ये पकौड़ा फ्राई हो रहा है हमारा। तेल थोड़ा कच्चा है शायद। गोल मटुल का नाम है टीना, शॉर्ट नेम और फुल नेम है रोहित। इधर देखो इसका बाल, देखो कैसे कटिंग किया है यार। अरे नहीं भाई, ये जिगर भाई देख सकते हैं। इधर देखो जिगर भाई, और ये हमारे आकाश भाई देख सकते हैं कैसे बैठे हैं मेंढक के जैसे। तो देख सकते हैं पकौड़े फ्राई हो रहे हैं हमारे। इधर देखता हूँ, मैं चखता हूँ एक दीघा। भाई देख सकते हैं ये आलू का पकौड़ा है, बहुत पतला सा। चटनी हमारी तैयार हो रही है पकौड़े के साथ खाने के लिए। दोस्तों, हम उबालेंगे देते हैं सब कुछ। अरे भाई पलट गया वो। तो सब कुछ तैयार हो गया, चटनी पकौड़े चैलेंज शुरू करने वाले हैं। तो आ जाइए, शुरू करते हैं चैलेंज। आ जाइए दोस्तों, हम तीन लोग हैं ना, दो लोग हैं।
ये छोटा सा बच्चा है, समझता नहीं, इसलिए हमको इसने साथ में ही बिठाया है, लेकिन हम दो लोग ही चैलेंज करेंगे। देख सकते हो अभी तक सभी लोग टिके हुए हैं, कौन सबसे ज्यादा पकोड़े खाते हैं देखते हैं। हम ने हार मान लिया और ये चैलेंज से बाहर हो गया है, और अभी तक तो सिर्फ शायद हाँ जिगर जीत गया चैलेंज, क्योंकि वो बच्चा तो वैसे ही बैठा है, देख सकते हो ये चैलेंज जिगर जीत चुका है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, जय हिंद।